गर्भस्थ शिशु को आप संस्कार उत्तम से उत्तम और नीच से नीच दे सकते हैं। गर्भस्थ शिशु पर बाहरी जो हमारा संस्कार है वो प्रभाव डालता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्भ में शिशु है और जो लोग संयम धारण नहीं करते तो बहुत तरह से उस शिशु के संस्कार और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। खान पान का संयम नहीं, भोग विलास का संयम नहीं, तो उस शिशु में बहुत हानिकारक वृत्तियां और दोष प्रकट हो जाते हैं। रोग युक्त शिशु हो जाता है और उसकी बुद्धि जो है वो अध्यात्म बलहीन हो जाती है, क्योंकि जैसे संस्कार डाले जा रहे हैं ना, वो गर्भ में ही संस्कार की रचना हो रही। नाम जप करते रहिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और प्रभु से प्रार्थना कीजिए और भावना कीजिए कि मेरा गर्भस्थ शिशु भगवान का भक्त हो, निश्चित निश्चित वो भागवतिक संस्कार होंगे।